हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि हम लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर की साइड पे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग पे जाएंगे और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है यहाँ पर आपको लैंग्वेज शो हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बंगाली है, जापानी है, इंग्लिश है और यहाँ पर फ्रांस है। यहाँ पर देखिए हिंदी है, गुजराती है, जापानी है, यहाँ पर मलयालम है, आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और भी है, तमिल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईगुर्स है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी कंट्री के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है हमारे पास, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, लैंग्वेज क्लिक करेंगे और यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।